स्वागत है दोस्तों आपको और एक नए वीडियो में। जो मैंने बताया लास्ट टाइम में बैकपैक जो लगता है बैक पैकिंग के लिए उसमें क्या क्या होना चाहिए वही मैं आपको बताने जा रहा था। जो कुछ चीज़ें पिछली बार मिस हुई थी पिछले वीडियो में वो मैं इस बार ऐडअप कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये है टेंट, ये रेनकोट, ये टूथब्रश, सॉरी टूथपेस्ट के लिए मैं टूथ पाउडर यूज़ करता हूँ, और ये फर्स्ट एड के लिए गोली जो है डिस्प्रिन, रैंटिडिन, क्योंकि खाने का टाइम फिक्स नहीं होता है इसलिए रैंटिडिन रिक्वायर्ड होती है। ये आप खाने के पहले खा सकते हैं या आप डॉक्टर के कंसल्टेशन के हिसाब से भी आप खा सकते हैं। इनके डिसेंट्री होती है तो ये गोली लिया है मैंने, और ये बुखार के लिए या इनकेस आपको बहुत ज़्यादा थकावट होती है तो ये लिया है मैंने डोलो 650। आप अलग भी ले सकते हैं डॉक्टर कंसल्टेशन के साथ, और एक ये दो तीन लिए लेना रिक्वायर्ड होता है। इसे कहते हैं हैंड पेपर सोप, ये वॉशिंग सॉरी शेविंग क्रीम, शेविंग रेजर, पावर बैंक, और ये पावर बैंक के कनेक्टर्स जो आपको मोबाइल को चार्ज करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, यही सब कुछ रिक्वायर्ड होता है। वाटर बॉटल दो लिया है मैंने, बस इतना ही सामान रिक्वायर्ड होता है, और आप आपके चॉइस या रिक्वायरमेंट के अनुसार भी आप कुछ सामान ऐड कर सकते हैं। जैसा आपका बैक पैक हो आपके पास, साथ ही साथ जो कैरी कर रहे हैं व्हीकल से जा रहे हैं तो आप ज़्यादा सामान ले सकते हैं। अगर आप बैक पैकिंग कर रहे हैं तो इसमें व्हीकल नहीं होता है तो आप कम सामान लीजिए, तो कम से कम वेट रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी चलने में या कहाँ पे पहुँचने में। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए। आप मुझे सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे तो, साथ ही साथ वीडियो आपके ग्रुप में भी आप शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।